हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन उस चमड़ी का बना है जिसमें धोखेबाजी, झूठ, प्रोपेगेंडा और दूसरों को डराने के सारे अंश हैं। चीन का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो पड़ोसियों की जमीन हड़पता रहा है और यही काम वो भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। इस बार भी उसने लद्दाख में यही किया है। पहले भारत की जमीन पर अपना हक जताया, फिर खुद ही तंबू लगाकर बैठ गया और भारत ने जब कठोर फैसलों के संकेत दिए तो बातचीत की पैरवी करने लगा। भारत में चीन के राजदूत कहने लगे कि अब तो ड्रैगन और हाथी साथ में डांस करेंगे। चीन भी जानता है कि अब 1962 वाली बात नहीं है। अगर वो विकसित देश है तो भारत की शक्ति उसके लोकतंत्र में छिपी है। यही कारण है कि कल तक युद्ध की बात करने वाला चीन आज भारत के सामने शांति दूत बन गया है। पूरी रिपोर्ट से पहले चार हेडलाइंस देख लीजिए। लद्दाख में बैकफुट पर है चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की पेशकश की। भारत चीन विवाद में बिन बुलाए मेहमान बने ट्रंप। ट्वीट कर कहा, मध्यस्थता या समझौता कराने के लिए अमेरिका तैयार है। लद्दाख में फेस ऑफ के बीच दिल्ली में थल सेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है। अगले 3 दिनों तक रक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की दूसरे स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल। तमिलनाडु में के सुलूर में वायुसेना प्रमुख ने उड़ान भरी। लद्दाख में तनाव के बीच शी जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहा है। जिनपिंग के इस ऐलान के बाद बीजिंग से लगभग 5000 किलोमीटर दूर भारत के आसमान में लड़ाकू विमान तेजस की हुंकार सुनाई पड़ी। और इस शक्ति परीक्षण की अगुवाई कर रहे थे खुद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया। लद्दाख में 5 मई से भारत और चीन की सेनाओं के बीच मसल फ्लेक्सिंग चल रही है। भारत के दबाव से चीन बैकफुट पर है। इसी बीच शी जिनपिंग के बयान ने माहौल बिगाड़ दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्स फोर्स के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने आदेश दिया कि बुरे वक्त और स्थिति के लिए सेना तैयार रहे, प्रशिक्षण और युद्ध की तैयारियों को बढ़ाएं ताकि जटिल परिस्थितियों में राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास की रक्षा की जा सके। मेरा अपना आंकलन यह है कि इस समय चीन, जो कि पूरे दुनिया के कटघरे में खड़ा है कोरोना के कारण, अब वो किसी तरह से ध्यान दूसरी तरफ डालना चाहता है। तो ये टेंशन जो क्रिएट की जा रही है, तनाव जो क्रिएट किया जा रहा है, वो इसका हिस्सा है। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मुखिया भी हैं, जो चीन की सेना की सुप्रीम बॉडी है। संप्रभुता और सुरक्षा जैसे शब्दों से भरा ये बयान उस वक्त आया जब चीन लद्दाख पर अपने अवैध कब्जे को बार बार अपनी संप्रभुता से जोड़ रहा है। चाहे चीन हो चाहे कोई देश हो, यदि वो लोग चीन समझता है कि वो अपनी मर्जी मनमानी करेगा और अपनी मर्जी से हमारा भौगोलिक क्षेत्र सलामी स्लाइसिंग के माध्यम से इंच बाय इंच, किलोमीटर बाय किलोमीटर कब्जा करेगा, तो ये चीन की भूल है। शी जिनपिंग के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए लद्दाख विवाद के बीच दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। साउथ ब्लॉक में थल सेना प्रमुख MM नरवणे की अगुवाई में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है। 29 मई तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में थल सेना के सभी 7 कमांड के मुखिया अपने अपने कमांड की प्रेजेंटेशन देंगे। ऑपरेशनल तैयारियों पर भी लंबा सेशन होगा। प्रधानमंत्री का हमेशा से बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी हैं सेना को बॉर्डर मसले पे लेके, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो चाइना के साथ लेके या हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हो उसको डिफेंड करने के लिए। तो ये तो इसीलिए इतनी टॉप लेवल के ऊपर बातचीत शुरू की गई कि ये एक इंडिकेशन है कि चाइना इस बात को समझ ले कि वो
अवैध तरीके से या जबरदस्ती अगर भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है तो वो संभव नहीं। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दरअसल बेहद ही गोपनीय सम्मेलन होता है, लेकिन इस बार खास ये है कि थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे कुछ कमांडर्स के साथ बंद कमरे में भी चर्चा कर सकते हैं। उनमें उत्तरी कमान और पूर्वी कमान के कमांडर्स शामिल हैं। दरअसल उत्तरी कमान के अंतर्गत लद्दाख से सटी चीन सीमा, LOC, कारगिल और सियाचिन आता है, जबकि पूर्वी कमान के अंतर्गत सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी चीन सीमा आती है। कल रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुख और CDS के साथ बैठक की। आज सैन्य कमांडर्स की बैठक हुई। साथ ही लद्दाख में चीन की सेना के सामने भारत की सेना अपने दल बल के साथ खड़ी है। यह बात चीन तक भी पहुंची और फिर चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ विवाद को बातचीत से निपटाने के संकेत दिए। भारत चीन विवाद में आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी एंट्री मारी। भर भर कर चीन को कोसने वाले ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने चीन और भारत दोनों को सूचना दे दी है कि उनके सीमा विवाद में मध्यस्थता या समझौता कराने के लिए अमेरिका तैयार है। हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए हम तैयार हैं, धन्यवाद। सवाल है कि बात बात पर चीन को धमकी देने वाले और चीन को लेकर सवाल पूछने पर भड़कने वाले ट्रंप किस मुंह से मध्यस्थता की बातें कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना ने 1,00,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ऐसे में ट्रंप को पहले अपने घर को संभालना चाहिए, फिर पंचायत करने के बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ तो अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है, दूसरी ओर मध्यस्थता की बात कर रहा है। खबर है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अपने 1200 सैनिकों को तैनात करेगा। ये मरीन कमांडोज सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर चीन की नजर पिछले कई सालों से है। 3 सरकारों वाले देश कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया की संवैधानिक कमजोरियों का फायदा उठाकर चीन वहां आर्थिक घुसपैठ कर चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया उससे निकलना चाहता है, इसीलिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। लेकिन सवाल है, चीन से सामना करने को तैयार बैठा अमेरिका आखिर किस मुंह से भारत से मध्यस्थता की बात कर रहा है। यह बात सच है कि 1962 के युद्ध में चीन जीता था, और यह भी सच है कि इस बात को 58 साल बीत चुके हैं, और इन 58 सालों में हिंदुस्तान की रणनीति और सैन्य शक्ति में 360 डिग्रीज का बदलाव आया है। अभी कुछ दिन पहले चीन ने नेपाल को अपना मोहरा बनाकर भारतीय इलाकों को नेपाल का बताने की चाल चली, वो फेल हो गई क्योंकि नेपाल ने इस संशोधन को रोक दिया है। यह भारत की कूटनीति और रणनीति का ही नतीजा है कि चीन जो कल तक युद्ध का बिगुल फूंक रहा था आज बातचीत का राग छेड़ रहा है। लेकिन चीन कल भी ऐसा ही व्यवहार करेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी नीयत में धोखा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, ऐसे में मास्टर स्ट्रोक वाजपेयी जी की बातों को ध्यान में रखते हुए हैं। पड़ोसी नहीं बदल सकते, रणनीति तो बदल ही सकते हैं।